यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुकैया। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चिकन फ्राई बहुत ही पसंद आता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन फ्राई में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 ही टेबल स्पून हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, हम मसालों में हमने किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। ये हमने 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा, ये भुना हुआ, और हमने ये गरम मसाला लिया है, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। हमने चाट मसाला लिया है, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। और हमने ये रेड चिली पाउडर लिया है, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और देख लीजिए, हमने ये अरारोट लिया है जो 1.5 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून हमारे पास बेसन है, और 2 ही टेबल स्पून हम ये सूजी, ये सेमोलिना यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, हम ये 1/2 नींबू ले रहे हैं, और हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये 1/4 फूड कलर है। अब हम इन मसालों को ऐड कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब इसमें ये मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 लहसुन का पेस्ट है, और ये दही है 1 टेबल स्पून, हमने 2 टेबल स्पून लिया था। और हम जो ये हमारे पास मसाले हैं वो हम इसमें सब ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सब मसाले ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। ये हमने 1/2 नींबू लिया है जो हम पूरा इसमें ऐड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन सब मसालों को ऐड कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, और ये मैं 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको आधे के। फ्रेंड्स, हमें चिकन को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, हमने इसको मैरिनेट करके रखा था, अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इसे चिकन को इसमें हमें फ्राई करना है। हम इसमें पहले बड़े बड़े पीस हम इसमें ऐड करेंगे, और हमने अपनी गैस की फ्लेम को फुल कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें बड़े बड़े पीस ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे 1 तरफ से 2 मिनट के लिए सेकती हूँ, फिर दूसरे तरफ से भी 2 मिनट के लिए सेकूंगी। फिर हम इसे हमने चिकन एक तरफ से हमारा अच्छे से सेक चुका है, अब हम इसको पलट कर सेकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चिकन को फ्राई होते हुए 4 मिनट्स हो चुके हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी पीसों को भी सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट के जो पीस बचे हैं, अब हमें इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक बार और फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पहले मैं बोटियों को इस तरीके से मैं दबा लूँगी, सारी बोटियों को मैंने इसी तरीके से दबाना है। और मैंने गैस को फिर से एक बार ऑन कर दिया है फुल फ्लेम पर, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसी तरीके से सारी बोटियों में दबा दबा कर एक बार और सेकूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने बोटियों को सारी को दबा लिया है। अब मैं इनको इसी तेल में सब बोटियों को एक साथ डाल देती हूँ, और मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। अब इसे मुझे सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोटियों को इसलिए दबाया था क्योंकि ये अंदर से थोड़ी किसी किसी भी कच्ची रह जाती हैं। आप इस तरीके से फ्राई करेंगे बोटियों को दबा दबा कर, तो वो पूरी अंदर तक ये सिक जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है, ये देखिए अच्छे से अंदर तक सिक चुका है ये। अब हम इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, चिकन बनकर तैयार है हमारा। आप इसे चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।